ये देख लीजिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2022 के लिए ऑप्शन फॉर्म फॉर प्रेफरेंस ऑफ डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री और ऑफिस, आपको किस तरह प्रेफरेंस देना है, क्या डिपार्टमेंट रखना है आपको, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आप काम करना चाहते हैं और कहाँ का ऑफिस आपको चूज करना है। तो देख लीजिए, ये सैंपल इन्होंने निकाला है, आपको पूरा इस तरह देख के ही ऑप्शन फॉर्म भरना है। आप इसमें नेम ऑफ द कैंडिडेट, आप अपना नाम डालेंगे, अपना रोल नंबर डालेंगे और कैंडिडेट शुड इंडिकेट दियर ऑप्शन इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस सेपरेटली फॉर द पोस्ट इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। अब ये पूरा फॉर्मेट देख लीजिए, सीरियल नंबर 1 में पोस्ट कोड है और फिर नेम ऑफ द पोस्ट है और नेम ऑफ द डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री और ऑफिसर्स, ठीक है। अब जैसे देख लीजिए, पोस्ट कोड A01 है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर में ग्रुप बी गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल, ठीक है। अब इसमें नेम ऑफ द डिपार्टमेंट इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग है। उसी तरह B03 है पोस्ट कोड, B05 है, B06 है, B07, 8, 9 करते करते आपका जो पोस्ट कोड गए हैं वो D63 पे गए हैं। अब जैसे D61 पे टैक्स असिस्टेंट है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। उसी तरह टैक्स असिस्टेंट का है, सब इंस्पेक्टर का है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इस तरह आपको भरना है कौन सा प्रेफरेंस आपको देना है। ये सैंपल इन्होंने निकाला है, ठीक है, और इसमें डिक्लेरेशन है कि द ऑप्शन एक्सरसाइज एबव बाय मी आर फाइनल, आई एम आल्सो फुली अवेयर दैट नो चेंज इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस इन द ऑप्शंस एक्सरसाइज बाय मी एबव वुड बी परमिटेड, ठीक है। इन्होंने ये डिक्लेरेशन भी आपसे ले लेना है कि जो ऑप्शन आपने दिया है प्रेफरेंस का वो फाइनल है। इसके बाद आप ये नहीं कहेंगे कि आपको CBI में रखा है या एक्साइज में क्यों रखा है जब आपने CBI दिया था, ठीक है। तो उसी तरह देख लीजिए, पूरा भरने के बाद आपका यहाँ पर सिग्नेचर होगा, फिर नेम होगा और रोल नंबर होगा, ठीक है। अब देख लीजिए, दिस इज अ सैंपल ऑप्शन फॉर्म फॉर कन्वीनियंस ऑफ द कैंडिडेट, ऑप्शन आर टू बी फिल्ड अप इन द ऑनलाइन मॉड्यूल। आपको SSC की वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन भरना है। ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि इन्होंने 4 मई कर दी है, 4 मई लास्ट डेट कर दी है, वहां तक एक्सटेंड कर दी है, ठीक है। ये केवल सैंपल है आपके समझने के लिए, ठीक है। तो ये पूरा देख लीजिएगा, ऑप्शन का प्रेफरेंस अगर आपने नहीं भरा है तो भर दीजिए, वरना आप परेशानी में पड़ सकते हैं, ठीक है। चैनल पे आप पहली बार आए हैं और आपको लगता है कि SSC से रिगार्डिंग आपको ये अपडेट इस तरह मिलते रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।